हाय मैं बच्चों पाजी, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ है। बोर्ड एग्जाम अच्छे से जा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से जा रहे होंगे, पूरे साल मेहनत जो करी है। एंड अब आ रहा है आपका साइंस का पेपर, और साइंस में बच्चों को लग रहा था थोड़ा सा डर, मैंने कहा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, है ना। तो अब यहीं पे आज की जो वीडियो है मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो आपके डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आई कि मैम आखिर कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, तो बिना समय को बर्बाद किए मैं आपको बताऊंगी आखिर कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एंड आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना, उनके भी आंसर दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम की। पूरे साल मैंने बोला था प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के डायग्राम नहीं बना पाओगे, लेकिन कुछ बच्चों ने बात मानी, कुछ ने नहीं मानी, बट कोई नहीं, अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा या 2 घंटा लगातार बैठकर, नहीं आता डायग्राम, बार बार प्रैक्टिस करो आ जाएगा। और डायग्राम को आप सोच रहे हो कि देखकर बना लोगे तो वो नहीं बन पाता है, है ना। तो डायग्राम जो इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड में बहुत बार आए हैं बेटा, तो वो है नंबर 1 आपका पाचन तंत्र का, सेकेंड चीज मानव हृदय की आंतरिक संरचना, नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो नेफ्रॉन है उसका चित्र कैसे बनता है, क्योंकि उसकी क्रियाविधि बहुत बार आती है। नंबर 4 की अगर मैं बात करती हूँ तो पुष्प की जो चित्र होता है, यानी कि पुष्प के सारे भाग, तो पुष्प का चित्र आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किया है। और लास्ट है आपका कि पुष्प में निषेचन की क्रिया कैसी होती है, जिसमें आप पराग नलिका को निकलते हुए दिखाते हैं। तो ये डायग्राम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? आपके सवाल भी तो है जिनके आंसर देने हैं, तो कौन से सवाल है जिनके आपको आंसर जानने हैं और पता भी होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला सवाल है, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम पेन से बनाऊं, पेंसिल से बनाऊं, या डायरेक्ट स्केच से बनाऊं, किससे ज्यादा नंबर मिलेंगे मुझे? सोचा था ना आपने भी ये सवाल कि भाई डायग्राम मैं पेंसिल से बनाऊं, पेन से बनाऊं, या डायरेक्ट स्केच पेन से बनाऊं। तो याद रखना कि हमेशा डायग्राम को पेंसिल से बनाना है, जब तक आप 99% श्योर नहीं है कि भाई आपको पेन से बनाना है, यानी कि आप डायरेक्ट बना सकते हो पेन से, है ना। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ डायरेक्ट मैं पेन से बना सकता हूँ, वो भी बिना गलती करे, तो बिल्कुल बनाइए, वरना अगर नहीं है तो प्लीज पेंसिल का इस्तेमाल करें। डायग्राम बनाने में कलर का इस्तेमाल करूं क्या या नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा है। कलर भी तो लेने हैं, लेकर जाऊं या ना लेकर जाऊं, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, डायग्राम में कलर करना जरूरी नहीं है। अगर आप पेंसिल से ही बहुत सुंदर डायग्राम बनाकर छोड़कर आ जाते हैं उसको, तो नंबर आपके नहीं कटेंगे। यार डायग्राम कहाँ बनाऊं, आंसर के स्टार्टिंग में बनाऊं, लास्ट में बनाऊं, या फिर बीच में बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डायग्राम को हमेशा, जो भी आप आंसर लिखते हैं, उसके हमेशा बीच में बनाएं, कभी भी स्टार्टिंग में या लास्ट में डायग्राम को मत बनाना। जिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्राम बनाओ और मैंने नहीं बनाया, लेकिन आंसर तो मैं पूरा लिख रही हूँ ना, नंबर तो मिलने चाहिए, डायग्राम नहीं बनाऊंगी चलेगा क्या? हाँ भाई, जिस क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है वहाँ पे तो बनाना बहुत जरूरी है, वरना नंबर कट जाएंगे। एक काम करती हूँ, इतनी मेहनत नहीं करती, सिंपल सा वो क्वेश्चन उठा लूंगी जिसमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं होगी, है ना। डायग्राम भी नहीं बनाने पड़ेंगे, मजा आ जाएगा, सिर्फ आंसर लिख कर आ जाऊंगी। नहीं, सबसे पहले ट्राई करना कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसी का आंसर दें। एंड याद रखना कि अगर उसमें डायग्राम वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो प्लीज डायग्राम वाले को अटेम्प्ट करना, बिकॉज डायग्राम वालों में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। यही थे ना आपके सारे सवाल, मिल गए जवाब, तो अब एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।